हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप अच्छे से होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये है बुधवार का ब्लॉग, और मैं डाल रही हूँ, सुबह का टाइम है, मैं कपड़े डाल रही हूँ सूखने के लिए, क्योंकि कल मैंने धोए थे मंगलवार को, तो धोते धोते रात हो गई थी, तो फिर रात को मैंने कपड़े नहीं डाले थे सूखने छत पे, और क्योंकि छत पे बच्चे पलंग बिछा रहे थे सोने के लिए, तो फिर मैंने ठीक नहीं समझा उनको डिस्टर्ब करना, कि मैंने रात को भर के रख दी थी लॉन्ड्री बास्केट में, और अभी सुबह के बज रहे 8, तो मैं अब आई हूँ फैलाने के लिए। नहा लिया था मैंने, और सूखे तो थे ही कपड़े, वैसे ड्रायर में सुखा लिए थे, लेकिन थोड़ी सी धूप लगनी थी, और अब तो इतनी तेज धूप आ रही है ना कि कपड़े मतलब 1 ही घंटे में सूख जाएंगे। और आप देख रहे हैं, मैं एक के ऊपर एक डालती चली जा रही हूँ कपड़े, क्योंकि वो सूख जाएंगे, और बहुत तेज धूप होने लगी है। तो फिर ना मैं सारे कपड़े जो यहीं पे नीचे डाल दूंगी छत पे ही, मतलब एक छत और ऊपर भी है उस पर नहीं जाऊंगी मैं। सर्दियों में जाती थी वहां सुखाने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पे वहाँ पर ऊपर जाने की ज़रूरत होगी, ज़्यादा धूप चाहिए नहीं है। और एक के ऊपर एक जितने भी बनेंगे मैं सब यहीं पे डाल दूंगी इसी छत पे। और कपड़े कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं भाई, धोने बैठो तो कपड़े इतने हो जाते हैं कि थक जाते हैं धोते धोते, और मतलब जगह भी नहीं होती फैलाने के लिए, और कहीं जाओ तो फिर एक ही समस्या कि कपड़े नहीं है कि आप पहन के जाओ। तो एक हफ्ते के कपड़े हैं, क्योंकि मुझे बीच में टाइम नहीं मिलता, जब मेरी छुट्टी होती है ना मंगलवार को, तो बस उसी दिन। और फ्रेंड्स, मेरी मतलब एक जॉब की टाइमिंग भी कुछ अलग है, तो फिर वो पूरा दिन चला जाता है जॉब काम में, तो फिर ना मैं एक ही दिन धोती हूँ मंगलवार को। तो ये आप देखो, मैंने सारे कपड़े इसमें सबसे ज्यादा मेरे ही कपड़े होती है, क्योंकि मुझे ही हो है। फ्रेंड्स, ये मेरे सारे कपड़े डल गए हैं, और अब बस बारी है खाना बनाने की। तो खाने में आज मैं बनाऊंगी मूंग दाल की बड़ी और आलू मिक्स करके, दोनों मिला के अच्छी लगती हैं। मैंने मूंग दाल की बड़ी बनाई थी घर पे खुद ही, तो मैंने इस बार दो तरह से बनाई थी। एक तो मैंने सोचा कि छिलका फेंकने से अच्छा है कि देखते हैं इसकी मतलब बना के कि छिलका सहित कैसी बनती है, तो मैंने छिलका सहित ही बनाई थी, तो वो काली हो गई थोड़ी। और उसके अलावा जैसे हम छिलका निकाल के उसको धो के बनाते हैं ना मूंग दाल की बड़ी, तो वो सॉफ्ट बनती है, मतलब जल्दी टूट जाती हैं, जल्दी गल जाती हैं, लेकिन ये छिलका वाली जो होती है ना वो उनमें टाइम लगता है, वो थोड़ी कड़क हो जाती है। जैसे ऐसा मतलब जैसा मेरा मानना है, मैंने बनाई थी तो ऐसी बनी थी, तो आज मैं वही बनाऊंगी। मतलब टेस्ट तो अच्छा है, टेस्ट में कोई फर्क नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा मतलब उसमें टाइट और सॉफ्ट में तो भरा के मतलब, तो स्वाद में कोई अंतर नहीं है, स्वाद अच्छा है दोनों का। और बस
उसके बाद टाइम हो जाएगा मेरा जाने का, तो फिर मैं चली जाऊंगी। छोटा सा ब्लॉग बनाया था बस यही। और ये देखो मैंने कपड़े डाल दिए सारे फ्रेंड्स। मैंने मतलब अभी नया नया ब्लॉग बनाना शुरू किया है, सारी टेक्निक मुझे नहीं पता, और लेकिन हाँ अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं सब सीख जाऊंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि अच्छे से अच्छा कंटेंट बना सकूं। और ये देखो मेरी पूरी छत पर गई। अच्छा जो पलंग पे बच्चे सोते हैं ना, तो वो उनको भी खड़ा करके मैंने उन पे भी डाल दी थी, जो भी बेडशीट वगैरह थी, तो क्योंकि मुझे ऊपर की छत पर नहीं जाना था डालने के लिए, मुझे भी नीचे ही डालना था, तो मैंने बेडशीट वगैरह भी नीचे ही डाल दी पलंग पे। मैंने पलंग मतलब दो पलंग है उनको खड़ा किया और उन्हीं के ऊपर मैंने डाल दिए कपड़े, क्योंकि आराम से सूख जाएंगे। कोई ऐसी वो नहीं है कि नहीं अभी चाहिए पहनने, बाकी और हैं तो वो इस्तेमाल हो जाएंगे, ये सूखते रहेंगे। क्योंकि इसके बाद मैं चली जाऊंगी तो मैं तो उठाने आ नहीं पाऊंगी, तो वो मैंने डबल तिबल फोल्ड करके डाल दिए, सब अपने आप सूखते रहेंगे। शाम को आके उठाऊंगी मैं, रात को आती हूँ 8:30 बजे घर पर, तो तब उठाऊंगी, उसके बाद फिर देखूंगी सबको अलग अलग करके उनकी जगह पर मतलब रख दूंगी। तो उसी हिसाब से मैंने डाले थे। और अब मैं किचन में आ गई हूँ, और किचन में आप देख रहे हैं एक साइड मैंने रखा है इंडक्शन पे दलिया बनने के लिए, क्योंकि इस समय क्या है ना सबकी तबीयत चल रही है ख़राब, तो दलिया एक टाइम बन जाता है, तो दलिया बना रही हूँ मैं एक साइड। और दूसरी साइड मैंने मतलब कुकर चढ़ा के रखा है सब्जी के लिए, मैंने बताया था कि आलू और बड़ी की मिक्स सब्जी बना रही हूँ मैं, तो बस मैंने कुकर में डाल दिया तेल और उसमें डाल दिया जीरा, जब तक जीरा चटकेगा उसके बाद मैं डाल दूंगी टमाटर। प्याज का इस्तेमाल नहीं करती मैं सब्जी में ज़्यादातर, मतलब जो सब्जी रसेदार होती है ना उसमें मैं बिल्कुल प्याज अच्छी नहीं लगती, मैं नहीं डालती हूँ। हाँ सूखी सब्जी होती है जो बिना प्याज के नहीं अच्छी लगती, जैसे कि मतलब भिंडी है करेला है, ऐसी सब्जियों में डाल देती हूँ। तो बस मैंने डाली है टमाटर, और टमाटर के साथ ही मैंने मसाले भी डाल दिए, वही नॉर्मल से मसाले होते हैं अपने, हल्दी धनिया मिर्ची कश्मीरी लाल मिर्च वो मैंने डाल दिए थे, और पानी डाल दिया थोड़ा सा, जिससे मसाले जले नहीं भुन जाए अच्छे से। और इधर दलिया भी मेरा बन रहा है सेम आँच पे बिल्कुल, ये मसाला भुनने के बाद मैंने बरी डाल दी, और उसके बाद डाल दिए आलू, और थोड़ी रसेदारी बनाऊंगी तो पानी भी डाल दूंगी। मसाला पहले ही डाल चुकी थी मैं टमाटर के साथ में, तो मसाला भी भुन गया था टमाटर के साथ, और अब डाल दूंगी मैं इसमें पानी। तो मैंने पानी डाल दिया लगभग 1 से 1.5 गिलास के अंदाज, और अब डाल दूंगी मैं इसमें नमक, और इसका ढक्कन बंद करके मैं इसको 2 सीटी आने तक पकाऊंगी। 2 सीटी में अच्छी से बन जाती है ये, और कुकर में जल्दी बन जाती है, और मेरे पास टाइम भी उतना ही रहता है, तो ज़्यादातर मैं सब्जी कुकर में ही बनाती हूँ। और मैं तो अगर कोई सूखी सब्जी भी होती है ना, जैसे आलू गोभी हुआ और सूखी आलू की सब्जी, वो भी मैं कुकर में ही बना लेती हूँ। बस जब तक मेरा ये कुकर में सीटी आती है दलिया बनता है, तब तक मैं लगा लूंगी आटा। और ये आटा फ्रेंड्स मैं पहले बाजार से खरीदती थी, लेकिन अब नहीं खरीदती, अब मैं गेहूं खरीदती हूँ, गेहूं खरीद के फिर पिसवाती हूँ चक्की पे, वो अच्छा है। आटा खरीदती थी तो पैकेट वाला मैं नहीं लेती थी, ऐसे ही चक्की से मंगाती थी, तो सही नहीं आता था, तो फिर मैंने गेहूं की बोरी मंगा के और उससे फिर खुद से पिसवाया था। तो ये दलिया बन गया है मेरा, कुकर में भी सीटी आ चुकी है, सब्जी भी बन गई है, बस अब आटा भी मैंने लगा लिया है, अब फटाफट से रोटियां बेलना शुरू कर दूंगी, क्योंकि भाई जाना भी है ना। फ्रेंड्स अगर
थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए रोटी बना लेती हूँ, आप भी खा लीजिए आके। और अभी ये देखिए मेरा होने लगा है, रोटी बनाते बनाते थोड़ा सा टाइम था तो चाय पीने का मेरा मन हो रहा है, तो मैं चाय बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं चाय पीऊँगी, मुझे चाय बहुत अच्छी लगती है और फिर मतलब मेरा मन हो जाता है चाय पीने का। और एक्चुअली जब भी मेरा कुछ वैसा मीठा खाने की इच्छा होती है तो मैं चाय ही बना लेती हूँ। मैं मेरे को चाय भी थोड़ी मीठी और कड़क पसंद है, तो मैं उसी हिसाब की चाय अपनी, मैं एक चाय अपने हिसाब की ज़रूर पीती हूँ तो डेली में। तो मैंने अदरक डाल दी चाय में और ये शक्कर पत्ती भी डाल दूँगी तो मेरी चाय बनती रहेगी। इधर मैं रोटी सेक लूँगी और बस टाइम हो ही गया है रोटियाँ सेकने के बाद, फिर मैं चली जाऊँगी। बर्तन सुबह के नहीं धोती हूँ मैं। फ्रेंड्स अगर आपको ब्लॉग में कुछ भी जरा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करने को कहिए। ये देखिए मेरा बड़ा बेटा आ गया, वो कह रहा था मुझे भी चाय बना दो, लेकिन जब मैंने उससे कहा चाय नहीं तुम दूध ले लो, दूध से कुछ खा लो, तो फिर उसने दूध के लिए हाँ भरी। तो फिर मैंने उसके लिए चाय नहीं बढ़ाई, फिर मैं उसे गरम करके दूध, वो कहने लगा ठीक है दूध दे दूँ गरम कर, तो मैं उसको लिए दूध गरम करने लगी। और इधर मेरी चाय बन रही है, इधर रोटी बन रही है और लंच भी वही पैक कर देगा। मैं रोटियाँ सेक के उसको दे दूँगी तो वो लंच पैक कर देगा, मेरा रख देगा बैग में और मैं चली जाऊँगी कपड़े चेंज करने के लिए। तो फ्रेंड्स बस आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक है। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, शेयर किए बिना मत जाइए।